राइट स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे जल्दी से। टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू द कर्व दिस, देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, उसका लोकस हमें फाइंड करना है। ये वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं होता क्या है। ध्यान से समझिए, जैसे ये अपना ग्राफ हो गया साइन एक्स का, ऑल राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ओरिजिन से अगर मैं इस पे टेंजेंट खींचू तो ये आएगी। अच्छा, और भी तो आ सकती है ना, यहां पे खींच दू और ऐसे देखो कितनी आ सकती है, इनफाइनाइट। इस साइड में भी, इस साइड में भी आएगी। तो ओरिजिन से मैं टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है किस कर्व पे, वाई इक्वल टू साइन एक्स पर, ठीक है। उसका जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उसका लोकस हमें फाइंड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैंने लेट कर लिया जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, दैट इज एच कोमा के, ऑलराइट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही लेट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप वन, सेटिस्फाई कराना। तो के इक्वल टू साइन एच, सबसे पहली बात तो मैंने ये लिख दी कि अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एच कोमा के है, देन के इक्वल टू साइन एच होगा। क्लियर? सबसे पहली बात। दूसरी बात, डेरिवेटिव निकालते हैं dy by dx at h कोमा के। तो इक्वेशन तो यू नो वेरी वेल, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो dy by dx कितना आएगा बच्चों, cos x, और at h कोमा के बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली x की जगह h पुट कर देंगे आप, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं ऐसे सिनेरियो में, जब कॉन्टेक्ट पॉइंट ना पता हो, जब आपने कॉन्टेक्ट पॉइंट को लेट किया गया हो, और वो पॉइंट पता हो जिससे लाइन पास हो रही है। एक पॉइंट जरूर पता है टेंजेंट पे जिससे टेंजेंट पास हो रही है, लेकिन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है वो। तो यू नो वेरी वेल कि दोनों पॉइंट का यूज करके हम स्लोप लिखते हैं क्या, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन वाला, सॉरी क्या हो जाएगा, के माइनस जीरो एंड एच माइनस जीरो, y2 minus y1 upon x2 minus x1 will be equal to this। बोलो बात सही है क्या? सही है ना? ओके। तो एक तो ये आ गया मेरे पास, एक ही आ गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं कोशिश करूंगा h और k को एलिमिनेट करने की, ऑल राइट। कैसे कर सकते हैं देखें, देखो k, k कितना दिया है, साइन h, और ये दिया है cos h, एलिमिनेट हो जाएगा। देखो ध्यान से, k sin h एंड k by h cos h, ठीक है। तो एक h और k में देखो, एक पहली बात तो ये कि अगर मैं ये भी बोल रहा हूं तो ये बात सही है, लेकिन h और k में एक रिलेशन फाइंड करना है जिसमें cos और sin ना हो। तो कैसे फाइंड कर सकता हूं, cos और sin को एलिमिनेट करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड देन एड देम। कैसे, साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच इक्वल टू क्या होता है, वन। इसकी जगह रख दिया ये और ये रख दिया यहाँ पे। फाइनली व्हाट वी हैव इज दिस, एंड दिस कैन बी रिटन एज के स्क्वायर, इसे इधर ले जाओ, तो एच स्क्वायर वन माइनस के स्क्वायर, ऐसे लिखना चाहूं तो। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, ऑप्शन में कैसा दिया गया है, लेकिन हाँ ये बात सही है, ठीक है। या देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। तो आपको समझ आ गया कि लोकस क्या होता है, ओके। अब इसको और भी कुछ ऐसा भी दिया जा सकता है, इसको यहां पर डिवाइड कर दो, वन अपॉन वाई स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो ऐसा आ गया, ऑल राइट, समझ गए, ठीक है, ओके। अच्छा, ये लिखने से और ये लिखने से क्या अंतर आ गया, देखो ध्यान से। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बिल्कुल सेम ही तो है, मैंने क्या किया, पूरे को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से डिवाइड किया है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से। तो इधर वन बन गया, इधर आ गया वन अपॉन वाई स्क्वायर, इधर आ गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने नीचे लिख दिया। लेकिन यहां पर एक पॉइंट का अंतर आ गया, इसमें ओरिजिन भी इंक्लूडेड है, ओरिजिन इंक्लूडेड है, इसमें ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें ओरिजिन है, इसमें ओरिजिन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे।
ऑल राइट देखो इसमें 0.0 डालोगे तो सेटिस्फाई करेगा, इसमें नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा भी तो हो सकता है ना ओरिजिन से जो टेंजेंट खींची गई है वो यही हो, ये भी तो एग्जिस्ट करती है ना, तो ऐसे लिखना थोड़ा सा सही नहीं है, इस वाली टेंजेंट का केस उसमें से गायब हो जाएगा, ऐसे लिखना ज्यादा बेटर है, ठीक है? ऑल राइट ओके देन जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। शो दैट द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस, टू द कर्व एक ही है ये कर्व, पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है, इंटरसेक्ट बिटवीन द एक्सेस इज कॉन्स्टेंट, मतलब जो इसकी टेंजेंट है ना इनफाइनाइट टेंजेंट होंगी, वो सभी का जो पोर्शन है बिटवीन द एक्सेस उसकी जो लेंथ है ना वो कॉन्स्टेंट है, ऐसा शो करना है, क्लियर? तो लेट्स सी, देखिए दिया गया है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y दिया है a sin क्यूब थीटा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी पड़ेगी मुझे, वेरिएबल टेंजेंट, ठीक है? तो एक तरह से ये समझो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यही है, जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है कर्व की वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ही तो होते हैं, जैसे पैराबोला है उसकी मैं ऐसे लिख दूं y इक्वल टू 280 और x इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो ये क्या है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला और ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी होते हैं, तो दोनों ही चीजें सेम होती हैं, ठीक है ना, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। ओके तो ये तो पॉइंट हो गया, अब क्या चाहिएगा स्लोप, तो मैंने वही काम किया dy by d थीटा निकाला, कितना आएगा a 3 sin square थीटा into cos थीटा और dx by d थीटा बच्चों कितना आ रहा है माइनस ऑफ a 3 cos square थीटा into sin थीटा और dy by dx बच्चों कितना होगा, इट कैन बी रिटन एज dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूं वही चीज, या अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसे लिख लो d थीटा by dx, कोई टेंशन की बात नहीं है, सेम चीज है दोनों। ऑल राइट तो ये आ गया अपना, इनका रेशियो ले लो जल्दी से, 3a से 3a कटेगा, साइन से साइन जाएगा, कोस से कोस जाएगा और ये आएगा माइनस ऑफ tan थीटा, बच्चों dy by dx जो आ गया वो आ गया माइनस ऑफ tan थीटा, क्लियर है? अब लाइन की इक्वेशन लिखो, टेंजेंट क्या होगी y माइनस a साइन क्यूब थीटा, ऑल राइट इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा और इधर क्या आएगा x माइनस a cos क्यूब थीटा, ऑल राइट ये आ गया, ठीक है? अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, देखो साइन क्यूब है cos क्यूब है, स्क्वायर होते तो ज्यादा बेटर था, क्यूब से ज्यादा बेटर स्क्वायर रहता है, राइट? तो मैं क्या कर रहा, मैंने क्या किया, जो इसका साइन है उसको इसके नीचे लेके आया और जो इसके नीचे वाला कोस है वो यहीं पे रहेगा, तो उससे फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, जैसा कि मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, तो यहां पे ही कर लेते हैं, तो मैंने लिख दिया यहां पे y अपॉन साइन थीटा, यहां आ गया a साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे आ गया x अपॉन कॉस थीटा और प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये मैंने पहले ऑब्जर्व कर लिया था कि कॉस जब इसे कट करेगा तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर और ये यहां पे जाके शायद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना ले, तो मैंने देखा कि हाँ वाकई बना भी रहा है, दिख रहा है, तो फाइनली एक्स, एक मिनट यहां वाई है ना, तो फाइनली ये आ गया वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, इसको इधर ले आओगे और इसको इधर ले जाओ इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज वन, ठीक है? अब इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये कुछ ऐसे है जो इस कर्व की टेंजेंट है, ये कर्व कौन सा है वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, ये मैंने इसका ग्राफ नहीं बनाया, ये मैंने ऐसे ही लेट किया है कि ये कोई भी कर्व है जो भी जैसा भी कर्व हो कुछ ऐसे रहा होगा और ये इसकी टेंजेंट है, तो इसके x इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों, इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या होगा, y को जीरो डाल लो, a cos थीटा कोमा जीरो
y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0, a sin थीटा, और लेंथ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगी, निकाल लो, a cos square theta, a square sin square theta, that is a. क्या आ गई a. अब a नेगेटिव भी हो सकता है तो मैंने मोड लगा दिया, मोड ऑफ a, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मोड ऑफ a हमारा आंसर आ गया है, दैट इज कॉन्स्टेंट. a क्या था, इसमें कॉन्स्टेंट था, थीटा पैरामीटर था, तो थीटा से इंडिपेंडेंट आया है, जो रिजल्ट आया है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट मोड ऑफ a, और यही मुझे प्रूव करना था, यहाँ पे दिया है इंटरसेक्ट बिटवीन द एक्सेस इज कॉन्स्टेंट, मतलब इंटरसेक्ट नहीं इंटरसेप्ट है वो. ठीक है, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज कॉन्स्टेंट. ऑलराइट, समझ गए, ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट. ओके, तो देखिए अब, इफ जी एक्स इज अ कर्व विच इज ऑब्टेन्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस बाय वाई बाय द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, देन फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल जितने भी टेंजेंट हैं वो बताइए, फाइंड नंबर ऑफ एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम किसे कहते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, ये चीज़ होती है एक्सट्रीमम, राइट. ठीक है, वहाँ पे भी स्लोप क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है, या नॉन डिफ्रेंसेबल पॉइंट हो तो बात अलग है. ठीक है, ओके, अब देखिए, जी एक्स इज अ कर्व विच इज ऑब्टेन्ड बाय अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस, तो एक एफ एक्स दिया गया है, वो है ई एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाय टू, तो जी एक्स क्या है, इसका रिफ्लेक्शन है अबाउट वाई इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका इनवर्स, क्या इसका इनवर्स एक तरह से, ठीक है, लेकिन देखो अंतर क्या है, अंतर समझे इस लाइन को बोलने में और इनवर्स को बोलने में, तो अगर इनवर्स की बात आए, ठीक है, तो उसमें मुझे चेक करना पड़ता है कि वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए तभी इनवर्स पॉसिबल है, लेकिन अगर जस्ट बोला है कि एक कर्व है ये, इसका रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एक्स, तो हो सकता है कि वो वन वन और ऑन टू ना हो फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, और उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा तो वो क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा, उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, लेकिन उन्हें तो वही चाहिए, उन्होंने तो जस्ट ये बोला है कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन, तो कुछ तो होगा ही ना, क्लियर है, तो एकदम से बोल देना कि इनवर्स होगा तो ये भी सही नहीं है, लेकिन यहां पे मैं बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि जी एक्स इज अ कर्व विच इज ऑब्टेन्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस, अब जी एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है, तो इसका रिफ्लेक्शन एक फंक्शन आना चाहिए, इसका मतलब ये वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए, ठीक है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कोई भी कर्व बोलूं और y इक्वल टू एक्स के अबाउट मैं पूछूं कि उसका रिफ्लेक्शन, तो आप सीधा कहो कि इनवर्स, जैसे सर्कल हो गया, कोई सर्कल दिया हुआ है ऐसे ही कोई भी, लाइक y माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसका y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर मैं रिफ्लेक्शन पूछूंगा तो आएगा, बिल्कुल आएगा रिफ्लेक्शन, तो ठीक है, लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये खुद भी फंक्शन नहीं है. ऑलराइट, ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल फंक्शन इनवर्स की ही बात हो रही है क्वेश्चन में, तो क्योंकि जी एक्स दिया है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन तभी होगा जब ये वन वन ऑन टू होगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये होगा, क्लियर, तो इसका इनवर्स निकाल लेते हैं बच्चों. ऑलराइट, अच्छा ई की पावर एक्स को ऐसा करो टी मान लो, तो ये आ गया, ये आ जाएगा टू वाई टी, और ये आ जाएगा अपना टी स्क्वायर माइनस वन, तो टी स्क्वायर माइनस टू वाई टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टी आ गया टू वाई प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, फोर को बाहर ले लो तो कट हो जाएगा और ये कुछ ऐसा आ जाएगा. ऑल राइट, ठीक है, ओके ओके. अब ये दो टाइप के कर्व हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, क्लियर है, ये x पे डिपेंड करेगा कि x कहाँ से कहाँ तक है, और
अच्छा ये ई टी है एक्चुअली, ई टी तो ई की पावर एक्स आ गया ये, तो अब बात सही है, अब जमेगी बात। देखो ई की पावर एक्स ये पॉजिटिव है, ए की पावर एक्स तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे बीच में माइनस हुआ तो ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव आएगी, तो ऑब्वियसली मैं क्या लूँगा ये वाला, अब चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं टी ले रहा था उसमें दिक्कत थी, लेकिन ये तो ई की पावर एक्स है, ये तो ध्यान नहीं दिया था, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो बच्चों एक्स कितना आ जाएगा, लॉग अप्लाई कर दो दोनों साइड, ये तो किया हुआ है हमने पहले भी, है ना। तो यही है अपना जी एक्स, फाइनली वी हैव जी एक्स दैट इज एल एन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये होगा अपना जी एक्स जिसके बारे में उसने बात की है। अब वो क्या कह रहा है कि बताइए ऐसी कितनी टेंजेंट होंगी जो कि एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल पहले तो जी डैश एक्स निकालते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन यू नो वेरी वेल क्या होना चाहिए, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही तो आता है, सही है या नहीं। इसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट याद रखने को भी बोला गया था, अदरवाइज करके देख लो ये आ जाएगा। तो जी डैश एक्स इज व्हाट, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्लियर है। अब बताओ ये कभी जीरो होगा क्या, इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। सो देयर विल बी नो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा इस चीज को मैं बोल सकता हूं, अब यहां पे देखो dy by dx क्या है बच्चों, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहां से मुझे लिख लेना चाहिए dx अपॉन dy, dx अपॉन dy कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जहां पे dx अपॉन dy जीरो होता है वहां पे टेंजेंट आती है जो पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि dx अपॉन dy शुड बी जीरो, तो क्या ये जीरो हो सकता है, फिर से नॉट पॉसिबल, हेंस दे विल बी नो सच टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, ठीक है। तो ये भी बात गलत होगी, मतलब गलत क्या, नंबर ऑफ टेंजेंट पूछी गई थी पैरेलल टू x एक्सिस जीरो, नंबर ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा, और मैंने बताया मैक्सिमा मिनिमा पे होता क्या है ये बात समझे, या तो जो मैक्सिमा मिनिमा होते हैं उन पे स्लोप जीरो होता है या स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। स्लोप जीरो होने का मतलब देखो ऐसे, यहां पे भी स्लोप जीरो है, यहां पे भी स्लोप जीरो है, तो इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीमम, नंबर ऑफ एक्सट्रीमम, ठीक है ना। तो वो स्लोप तो कहीं पे जीरो हो ही नहीं रहा है, तो मतलब कोई एक्सट्रीमम नहीं है, लेकिन और भी केस होता है एक ऐसे। अब यहां पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो डिफाइन नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमा तो है ना अपने नेबरहुड में, मैंने बताया था मैक्सिमा क्या होता है कि उसके आसपास के जो भी पॉइंट हो उससे नीचे हो वो सबसे बड़ा हो, तो उसे बोल देते हैं हम लोकल मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा है, एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीमम है, लेकिन इस पे स्लोप क्या है, डिफाइन नहीं है, नॉन डिफरेंसिबल है फंक्शन, कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंसिबल। लेकिन क्या ये चीज ऐसी है, नहीं। क्या जी एक्स में कहीं ऐसा शार्प कॉर्नर आएगा, नहीं। मैंने बताया है आपको कि शार्प कॉर्नर की वजह क्या हो सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं देख के कि कोई भी शार्प कॉर्नर यहाँ पे नहीं आने वाला है, तो ऐसा भी केस नहीं होगा। इसका मतलब स्लोप जीरो भी नहीं है और नॉट डिफाइंड भी नहीं है। क्या किसी एक्स की वैल्यू के लिए dy by dx ऐसा हो सकता है क्या, इन्फिनिटी की ओर चला जाए या नॉट डिफाइंड हो जाए, कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बननी शुरू हो जाए, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं। तो दैट मीन्स हमेशा डिफाइन है, dy by dx हमेशा डिफाइन है, मतलब फंक्शन इज डिफरेंसिबल एवरीवेयर एंड इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो बात आगे ये, और तुम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो dy by dx कैसा है, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, हेंस द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग,
कैसा? ऑलवेज इंक्रीजिंग. अगर इंक्रीजिंग है तो देर विल बी नो एक्सट्रीमम. ठीक है, तो बिल्कुल जीरो जीरो जीरो, सभी का आंसर जीरो है. ऑलराइट, बात समझ आई ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं? तो बहुत इजी था, क्लियर. चलिए, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट. तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से. क्या है? मैक्स ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय एनी टेंजेंट टू द कर्व दिस विद एक्सिस. मतलब ये कर्व है, ऐसे भी दिखाया जा सकता है कर्व. ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, वही चीज है ये. x इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2a sin थीटा, ऐसे दे दिए. तो मैक्सिमम ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय एनी टेंजेंट टू द कर्व दिस विद एक्सिस. ठीक है, तो मैंने कैसे किया कि भाई x कितना है? a sin स्क्वायर थीटा. एक इसकी वेरिएबल टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूं. पॉइंट तो मुझे पता ही है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा. तो ये अपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है. और dx अपॉन d थीटा कितना हो जाएगा? a sin 2 थीटा. ऑलराइट, और dy अपॉन d थीटा बच्चों 2a cos थीटा. और dy बाय dx क्या हो जाएगा? इनका रेशियो dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा. एंड दैट विल बी व्हाट? ए से ए कटेगा और आएगा 2. देखो इसका रेशियो लेना है ना, ये है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. तो 2 cos थीटा तो कट ही आएगा, सिर्फ रह जाएगा 1 अपॉन sin थीटा, दैट इज cosec थीटा. ऑलराइट, ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं ऐसे लिखूंगा, 1 अपॉन sin थीटा. ऑलराइट, एंड इधर आ जाएगा x माइनस a sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा sin थीटा y माइनस 2a sin स्क्वायर थीटा और x माइनस a sin स्क्वायर थीटा. क्लियर बच्चों? अभी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम निकालने जा रहे हैं, क्योंकि क्या निकालना है? द मैक्सिमम ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट. तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का सम फिर हम निकाल के लेके आएंगे. तो फिलहाल इसे थोड़ा सा अगर मैं इजी बनाना चाहूँ तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू y माइनस x, x को इधर ले गया, इसको इधर, और ये आ जाएगा 3 ये आ जाएगा a sin स्क्वायर थीटा. कितना आ जाएगा? a sin स्क्वायर थीटा. ऑलराइट, अब x इंटरसेप्ट y0 पुट करें और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कीजिए, कितना आएगा? a sin थीटा. ऑलराइट, अब ये जो दिया हुआ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसके सम की. तो सम विल बी माइनस ऑफ a साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा. हो जाएगा, इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ऐसा कर लो. तो माइनस ऑफ ए कितना? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, इसके हाफ का स्क्वायर, मतलब प्लस फोर, प्लस वन बाई फोर और माइनस वन बाई फोर. ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर एंड माइनस वन बाई फोर. और अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि a बाई फोर माइनस a साइन थीटा माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर. ऑलराइट, अब इसकी मुझे क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू. अच्छा, ये चीज मैक्सिमम कब होगी? जब ये मिनिमम होगा. ये चीज जब मिनिमम होगी तब ये मैक्सिमम होगी. बात सही है या नहीं? सही है. तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो. किसी भी अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन सोच समझ के. अगर जैसे मैं याद दिलवा दूं तुम्हें कि ऐसा लिखा है, मान लो साइन थीटा माइनस थ्री होल स्क्वायर, अब तुम इसे कहने लग जाओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जीरो. तो वो गलत है. ऑल राइट, क्योंकि साइन थीटा थ्री होना चाहिए ना उसके लिए, और साइन थीटा थ्री तो हो नहीं सकता है. तो आप कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते. ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी. ओके, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी?
वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर दैट इज फोर, मतलब सॉरी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी फोर। ऑल राइट, तो जीरो नहीं बोल सकते, लेकिन यहां पे बोल सकता हूं क्योंकि साइन थीटा कुड बी इक्वल टू वन बाई टू। अगर थीटा पाई बाई सिक्स हो जाए तो साइन थीटा वन बाई टू हो जाता है, वो हो सकता है ना, तो बिल्कुल ये जीरो हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू विल बी, मिनिमम विल बी सॉरी मैक्सिमम, इसका मिनिमम तो ओवरऑल का मैक्सिमम ना, तो मैक्सिमम विल बी ए बाई फोर, यही है हमारा आंसर ए बाई फोर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, समझ आया? तो बिल्कुल इजी। तो ऐसा हो सकता है टेंजेंट और नॉर्मल का कोई क्वेश्चन है उसमें कोई और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दी, जैसे मैक्सिमम मिनिमा निकलवा लिया, इस टाइप से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। राइट, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।